गूगल तो हम सभी यूज करते हैं, कोई भी हमें परेशानी होती है या हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम सीधा सीधा जाके गूगल पे सर्च कर लेते हैं और हमें हमारे आंसर्स मिल जाते हैं। हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, कुकिंग से लेके ड्राइविंग तक, मतलब हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। लेकिन जब तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, कुछ चीजें ऐसी हैं गूगल पे जो तुम्हें कभी भी सर्च नहीं करनी चाहिए। There are some things that you should never ever Google. So guys, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 10 चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हें कभी भी Google नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम में ज्यादा ही ब्रेवरी है, तुम ज्यादा ही ब्रेव हो, बहादुर हो, तो तुम एक साइड में अलग टैब खोल सकते हो और साथ में सर्च कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे साथ उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। ये एक पूरी सीरीज है मेरे चैनल पे, तो अगर तुमने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो तुम अभी भी देख सकते हो जाके, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। तो अब हम लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 1 इज kekma.ga। kekma.ga इज अ वेबसाइट जिसके ऊपर तुम्हें काफी सारे लिंक्स मिल सकते हैं उन वेबसाइट्स के जो बेसिकली शॉक साइट्स हैं। नाउ व्हाट इज अ शॉक साइट? शॉक साइट इज बेसिकली ऐसी वेबसाइट जिसको क्लिक करते ही, जिसको ओपन करते ही तुम्हें कुछ ऐसा देखने के लिए या सुनने के लिए मिल सकता है जिससे तुम्हें इंस्टेंटली शॉक लगे। kekma.ga एक ऐसी वेबसाइट थी जिसको बहुत ज्यादा यूज करा जाता था रेडिट पे या ओमीगल पे लोगों को शॉक करने के लिए, प्रैंक करने के लिए। लेकिन इस साइट पे धीरे धीरे इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें आने लग गई कि लोगों को उन वीडियोस को, उन पिक्चर्स को देख के कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत डिस्टर्ब्ड फील होता था। इट्स अ वेरी डेंजरस वेबसाइट और रेडिट पे ये वेबसाइट काफी ज्यादा यूज होती थी लोगों को प्रैंक करने के लिए। ऐसा भी होता था पहले कि लोग अपने फ्रेंड्स को ये वेबसाइट के लिंक्स भेजते थे, अलग अलग लिंक्स भेजते थे उनको शॉक करने के लिए। लेकिन ये आगे जाके बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया था। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम ये सर्च करने का सोच रहे हो तो एक बार फिर से सोच लो कि तुम ये करना चाहते हो नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पे तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे जिनको तुम्हें गूगल नहीं करने चाहिए, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये सीधा सीधा मेरी ऑडियंस से ही आए हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी थी कि मैं ये पिछले पार्ट्स में कुछ चीजें मिस कर देता हूँ या फिर कोई ऐसी चीज तुम्हें लगता है जो मेरे को डालनी चाहिए तो तुम वो मेरे को बता सकते हो। और kekma.ga was the number one recommended website जो लोगों ने बोला था कि कभी भी गूगल नहीं करनी चाहिए। kekma.ga के ऊपर reactions भी बनाए हुए बहुत सारे लोगों ने, उनमें से एक ये रहा, तुम खुद देख सकते हो। It's a very creepy website, तो अपने भरोसे ही इस website को open करना। नंबर 2 इज डेथ विद आई ओपन। ये चीज कही जाती है कि अगर तुम किसी की भी डेथ देखते हो और उसके बाद अगर तुम डेड बॉडी को देखते हो और उसकी आंखें खुली हुई हैं, इट मींस कि तुम्हारे आसपास भी डेथ बहुत जल्दी आने वाली है। इट कैन बी यू और एनी वन यू लव और एनी वन जो तुम्हारे बहुत क्लोज है। ये बहुत टाइम से ये ट्रेंड बना रहा है कि लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि वो बहुत बैड एस है, वो इस चीजों को सर्च करते हैं। और लोगों ने खुद बोला है कि वो खुद इस चीज का रिजल्ट देख चुके हैं। तो नेवर एवर सर्च डेथ विद आई ओपन ऑन गूगल, क्योंकि तुम्हें गूगल इमेजेस पे भी काफी सारी इमेजेस मिल सकती हैं ऐसी जिसके अंदर तुम डेड बॉडीज को देख सकते हो विद देयर आईज ओपन एंड इट कैन बी रियली बैड फॉर यू। नंबर 3 इज टब गर्ल। तुम में से जिन लोगों ने इसको सर्च कर रखा होगा उनको पता है कि मैं कितनी खतरनाक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। बट अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करते हो टब गर्ल, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि किसी ना किसी साइट पे पहुंच के यू कैन सी अ पिक्चर व्हिच इज सो डिस्टर्बिंग। इसको देखने के बाद मैं ही खाना नहीं खा पाया था एक दो दिनों तक। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, इट्स डिस्गस्टिंग। और उस पिक्चर में ये होता है कि एक एशियन गर्ल होती है, आई थिंक जापानीज गर्ल होती है, जो एक टब में होती है। उसने खुद को फोल्ड कर रखा होता है और मेरे को ये बोलते हुए बहुत अजीब फील हो रहा है। I can't believe मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, बट अगर तुम ये पिक्चर देखते हो तुम देखोगे कि इस लड़की ने खुद को फोल्ड कर रखा है और उसकी एनस में से कुछ ऑरेंज लिक्विड निकल रहा है और वो सीधा उड़ के उसके मुंह में ही जा रहा है वापस। मेरे को खुद अभी वो पिक्चर याद आ रही है और तुम खुद देख सकते हो मैं कितना अनकंफर्टेबल हूँ अभी। डोंट गूगल दिस एवर, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। नो नीड ऑन अ सीरियस नोट, नो नीड टू सर्च टब गर्ल। तुम सब ये एक चीज जरूर नोटिस कर सकते हो कि ये वीडियो बहुत ही वेल प्रोड्यूस्ड है और वेल एडिटेड है, और वो इस वजह से क्योंकि आई टुक हेल्प फ्रॉम फिल्मोरा। फिल्मोरा इज एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको यूज करके तुम एडिटिंग को काफी फास्ट और एफिशिएंट बना सकते हो। फिल्मोरा के अंदर है एक इंस्टेंट मोड जिसको यूज करके तुम टेम्पलेट्स को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपनी टाइमलाइन में, जिससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है और तुम सीधा उस टेम्पलेट को अपनी टाइमलाइन में यूज कर सकते हो। ऑटो बीट सिंक भी एक फीचर है जिसको यूज करके तुम अपने एडिट्स को अपने फेवरेट ट्रैक और उस फेवरेट ट्रैक की बीट्स के साथ सिंक कर सकते हो।
ऐसे ही काफी सारे फीचर्स है फिल्मोरा में जो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचाते हैं और किसी भी एडिटर के लिए फास्ट और एफिशिएंट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ फिल्मोरा के अंदर है म्यूजिक विजुअलाइजर एंड कलर मैच। Use Filmora for a very smooth and efficient video editing experience. Plus, it's free to try. बाकी सारी की सारी details और links नीचे description में होगी. Make sure you go and try Filmora. अब चलते हैं वापस video में. अब fourth number पे. अगर हम इतनी खतरनाक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी disgusting और इतनी disturbing चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा tone down कर लेते हैं. अगर तुम gamer हो, ठीक है, और तुम gameplays वगैरह देखते हो और तुम कोई ऐसा gameplay नहीं देखना चाहते जिसको देख के तुम्हारा brain damage हो जाए या फिर तुम अपना माथा पकड़ लो कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये gameplay इतना trash है, तो तुम सीधा सीधा जा सकते हो FinkPlays पे. FinkPlays is a channel जिसके ऊपर बहुत ही खराब gameplay होता है लेकिन बहुत ही funny incidents होते हैं, बहुत ही सारे stream highlights वगैरह होते हैं, तो तुम उसको देख सकते हो जाके. वहाँ पे बहुत अजीबोगरीब चीजें होती रहती है, तो तुम जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो. अगर तुम में ज्यादा ही हिम्मत है तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो. आई कांट बिलीव मैं अपने ही चैनल डाल रहा हूं इस लिस्ट में. नंबर 5 इज रॉबर्स गेटिंग फक्ड. मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस इंडिया में रहती है और हमने इंडिया में ये चीज देखी हुई है कि कोई भी अगर कोई चोर होता है जो कुछ चोरी करके भाग रहा है या उसको पकड़ लिया जाए एकदम से, तो पकड़े जाने के बाद तुम्हें खुद पता है कि जो पब्लिक है वो क्या हाल करती है उसकी. लेकिन ये चीज खाली इंडिया में ही नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज में है. एंड यू हैव नो आइडिया कि बाहर की कंट्रीज में लोग किस हद तक चले जाते हैं उन रॉबर्स को पनिश करने के लिए. डेथ भी एक छोटा वर्ड है अगर मैं रखना चाहूँ तो, क्योंकि जो हाल उनका करा जाता है तुम देख के हिल जाओगे. तो नो नीड टू सर्च रॉबर्स गेटिंग फक्ड, क्योंकि ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी कि तुम्हारे अंदर खौफ बढ़ जाएगा कि कोई गलती से भी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगा दे. आई हैव सीन अ फ्यू क्लिप्स और मेरी हालत खराब हो गई थी. ये वीडियो बनाने के चक्कर में मैं इतनी डिस्टर्बिंग चीजें देखता हूँ कि तुम्हें आइडिया नहीं है. सही बता रहा हूँ, तो मैं अगर इतना डिस्टर्बिंग कॉन्टेंट देखता हूँ तुम लोग के लिए, तो गाइज तुम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो तुम लोग. नंबर 6 इज मीट स्पिन. देयर्स दिस वन सॉन्ग राइट राउंड करके, आई थिंक मैं गाना लगा देता हूं यहां पे. ये गाना तुमने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन ये जो ट्रेंड है मीट स्पिन नाम से, मीट स्पिन में बेसिकली एक शॉक वीडियो होती है. शॉक वीडियो जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखते ही तुम्हें इंस्टेंटली शॉक लगेगा, तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करोगे और तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि तुमने क्या देखा है. दिस इज वन वीडियो जिसके अंदर एक आदमी एक ड्रिल मशीन लेके इज ड्रिलिंग अ होल इन हिज ओन पीनिस और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में यही गाना चल रहा होता है. इट्स अ शॉकिंग वीडियो. तो कभी भी मीट स्पिन सर्च मत करना गूगल पे, क्योंकि ये वीडियो जब तुम्हारे सामने आएगी तो और जो तुम्हारा रिएक्शन होगा तुम समझ नहीं पाओगे कि तुमने क्या देखा और तुम्हारे साथ क्या हुआ. इस चीज के रिएक्शन लोग बना चुके हैं, इस चीज को यूज कर चुके हैं लोग अपने दोस्तों को प्रैंक करने के लिए. वैसा ही एक रिएक्शन मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूं और उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या है इस वीडियो में. तुम देख ही सकते हो कि क्या रिएक्शन है. सो गाइज नेवर एवर सर्च मीट स्पिन ऑन गूगल. नंबर 7 इज goatse.cx. ये भी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर काफी सारे लिंक्स रहते हैं बाकी शॉक वेबसाइट्स के, लेकिन goatse.cx ये जो नाम है ये अटैच्ड है एक वीडियो से या फिर कह सकते हैं एक पिक्चर से, दोनों चीज अवेलेबल है. इसके अंदर एक इंसान बेसिकली अपने एनस को अपने ही दोनों हाथों से इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लेता है, लाइक इट्स डिस्गस्टिंग. तुम देखोगे तुम्हें बहुत ज्यादा शॉक लगेगा, तुम्हें ब्रेन डैमेज हो सकता है. और जो पिक्चर ली जाती है वो फ्लैश के साथ ली जाती है कैमरा से, जिससे वो फ्लैश को यूज करके अंदर सब कुछ देखा जा सके. इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स सो डिस्गस्टिंग, इट्स सो डिस्टर्बिंग. गाइज मत सर्च करना, मत देखो, नेवर एवर गूगल goatse.cx, क्योंकि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. नंबर 8 पे एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे तुम्हें कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको देख के तुम मर सकते हो. तुम वो ऐसी वीडियोस है जिनको देख के तुम हंस हंस के मर जाओगे एंड तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. और कभी भी उन वीडियोस को अपने पेरेंट्स के आसपास मत देखना. एंड वो चैनल है फिंग एक्स्ट्रा. फिंग एक्स्ट्रा इज अ चैनल जिसपे रेडिट वीडियोज होती है, काफी मीम वीडियोज होती है, काफी फनी वीडियोज होती है, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम हंसते हंसते मर जाओ. सो गाइज नेवर सर्च फिंग एक्स्ट्रा ऑन यूट्यूब, और तुम में ज्यादा हिम्मत है तो सब्सक्राइब कर लेना एट योर ओन रिस्क.
नंबर 9th इज एमडी पोप. एमडी पोप इज अ शॉर्ट फॉर्म. इसका लॉन्ग फॉर्म है मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ. ये भी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर तुम्हें एक ऐसी फिल्म मिलेगी. इट्स अ होल फिल्म. इट्स अ कॉम्पाइलेशन ऑफ मल्टीपल शॉक क्लिप्स जिसके अंदर तुम्हें कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है. तुम्हें गोर मिल सकता है. तुम्हें बहुत डिस्गस्टिंग चीजें देखने के लिए मिल सकती है. तुम्हें टेररिस्ट क्लिप्स मिल सकती है. इन सारी क्लिप्स का कॉम्बिनेशन इज एमडी पोप. आई थिंक इट्स एन आर लॉन्ग फिल्म और जिस इंसान ने ये पूरी वीडियो देखी है आई थिंक उसको टाइटल मिल सकता है मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ. दैट्स द रीजन इस पूरी फिल्म का नाम पड़ा था एमडी पोप. नेवर एवर सर्च एमडी पोप ऑन गूगल क्योंकि अगर तुम क्यूरियोसिटी से भी ये देखने जा रहे हो तो आई डोंट थिंक तुम 2 मिनट से भी ज्यादा देख पाओगे. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड ऑन गूगल ऑल्सो क्योंकि ये इतना डिस्गस्टिंग और इतनी डिस्टर्ब्ड वीडियो है कि गूगल ने भी काफी साइट से इसको बैन कर दिया था. गूगल कभी खुद भी रेकमेंड नहीं करेगा इसे. तो ये काफी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस हो सकता है तुम्हारे लिए. और अगर तुम ये सोचो ना कि तुम प्रैंक करोगे किसी और को भेज दोगे कोशिश भी मत करना. यू नेवर एवर गूगल एमडी पोप. एंड नंबर 10 इज वेपन्स एंड लोकेशंस टुगेदर. हमारी गवर्नमेंट है और काफी सारी और गवर्नमेंट्स का सिक्योरिटी सिस्टम कहीं ना कहीं सेम लेवल पे चलता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. बट ये चीज निकल के आई थी आई रीड इट समवेयर कि अगर तुम वेपन्स और लोकेशंस साथ साथ सर्च कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स तो तुम गवर्नमेंट के रेडार में आ सकते हो. बेसिकली अगर तुम कोई वेपन सर्च करते हो जैसे पिस्टल राइफल स्नाइपर अलग अलग टाइप्स देख रहे हो वेयर कैन यू बाय देम और ये सारी चीजें उसके बाद यू आर सर्चिंग लोकेशंस कि ये लोकेशन कहाँ है और दूसरी लोकेशन कहाँ है. इफ यू डू दैट तुम सीधा सीधा गवर्नमेंट के रेडार में आ सकते हो और इट्स वेरी पॉसिबल कि आगे जाके कोई तुम्हारे ही लोकेशन के आसपास भगवान ना करे बट अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं कुछ खतरनाक होता है तुम्हारे घर के आसपास रिलेटेड टू वेपन्स तो इट्स वेरी पॉसिबल कि सबसे पहला शक तुम्हारे पे जाएगा. ये तुम्हारे लिए बहुत सिचुएशन मुश्किल कर सकता है फ्यूचर में. नेवर एवर ट्राई टू सर्च वेपन्स एंड लोकेशंस टुगेदर. गाइज ये मजाक की बात भी नहीं है. क्यों आना है तुम्हें रेडार में क्यों अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है. तो नेवर एवर गूगल वेपन्स एंड लोकेशंस टुगेदर. Guys, make sure you remember कि ये पूरी video is made with the help of Filmora. You should try it too. Link नीचे description में दिया हुआ है. Go and try Filmora. So guys, ये थी मेरी 10 topics की list जो तुम्हें कभी Google नहीं करनी चाहिए. This was the shock edition. I hope तुम्हें video पसंद आई होगी. अगर तुम्हें video पसंद आई तो make sure कि तुम like करो, share करो and subscribe करो क्योंकि ऐसी और shocking और खतरनाक videos मैं लाने वाला हूँ. Thank you so much for watching this video. और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली video. Bye bye.